आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शिरकत। केंद्रीय फगन सिंह, अश्विनी चौबे, अर्जुन राम मेघवाल भी होंगे मौजूद। मंत्री दारा सिंह चौहान, ब्रिजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन, यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे शिरकत। केंद्रीय फगन सिंह, अश्विनी चौबे, अर्जुन राम मेघवाल भी रहेंगे मौजूद। लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर, तिकोनिया मामले में चार आरोपियों को मिली पीसीआर, पुलिस कस्टडी में भेजे गए चार आरोपी। किसान पक्ष के गुरविंदर की रिमांड हुई मंजूर, कोर्ट ने दो दिन पहले दी थी रिमांड की मंजूरी। अभियुक्तों का आनंद फानंद में कराएगी पुलिस आमना सामना कराएगी पुलिस। लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर, तिकोनिया मामले में चार आरोपियों को मिली पीसीआर, पुलिस कस्टडी में भेजे गए चार आरोपी। किसान पक्ष के गुरविंदर की रिमांड हुई मंजूर, कोर्ट ने दो दिन पहले दी थी रिमांड की मंजूरी। अभियुक्तों का आमना सामना कराएगी पुलिस। लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर, तिकोनिया मामले में चार आरोपियों को मिली पीसीआर, पुलिस कस्टडी में भेजे गए चार आरोपी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से चार आरोपियों की कस्टडी ले ली गई है और अभियुक्तों का आमना सामना भी पुलिस कराएगी, तो इससे क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो कल जिस तरह से दूसरे जो पक्ष था उसके उसकी भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था उस मामले के बाद अब कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा। तो ऐसे में जो आरोपी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनके ऊपर कार्रवाइयां जो है वो अब शुरू हो चुकी है, और पुलिस की तरफ से अब कहीं ना प्रमुख कार्रवाई है जो पूछताछ है जो बयान है वो सारे जो है इस पूरे मामले में दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा पहचान परेड का भी कहीं ना कहीं सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। शिखा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं इस खबर पे जुड़ने के लिए। अगली खबर पे भी जुड़े रहिए, हमें जानकारी देते रहिए। आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, दुर्गा जी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश, मेघावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश यादव, लैपटॉप वितरण के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, दुर्गा जी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश, मेघावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरह से मेघावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे और छात्रों के बीच जाएंगे, तो क्या युवाओं के वोट पाना चाहते हैं अखिलेश? देखिए, अखिलेश यादव जब सरकार में थे तभी भी उन्होंने छात्र और छात्राओं को लैपटॉप बांटे थे जो की मेघावी छात्र थे, और उसके अलावा तो इंटर के पास जो छात्र थे उनको भी लैपटॉप बांटा गया था। अब वो सरकार में नहीं है लेकिन लगातार वो इस बात को कहते आए हैं कि मैंने बच्चों को लैपटॉप दिया और प्रदेश की सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। तो उसी कड़ी में आज वो आजमगढ़ गए हुए हैं। आजमगढ़ में जहाँ पर सदर विधानसभा क्षेत्र में दुर्गा इंटर कॉलेज है वहाँ पर एक कार्यक्रम लगा हुआ है जहाँ पर मेधावी छात्रों को वो लैपटॉप देने वाले हैं, और लैपटॉप वितरण के बाद वो एक जनसभा भी करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं इस बात को जरूर वो कहेंगे कि मौजूदा सरकार बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है, और हमारी सरकार ने बच्चों को लैपटॉप भी दिया था और अभी भी देते हम आ रहे हैं और आगे भी देते। कहीं ना कहीं ये सारी बात को लेकर अखिलेश यादव आजमगढ़ गए हुए हैं, और उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के जो वादे हैं वो एक बार फिर से करते हुए अखिलेश यादव आना सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो लैपटॉप वितरण करेंगे आज, जनसभा को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, कोरोना को लेकर सीएम योगी करेंगे बैठक आज 10 बजे 5KD स्टेडियम पर बैठक, बीजेपी सामाजिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। हलवाई कसौंधन शिवहरे समाज का सम्मेलन भी होगा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं, कोरोना को लेकर सीएम योगी करेंगे बैठक।
उत्तर प्रदेश में 10 आईएएस अफसरों के तबादले। आधी रात को 6 जिलों के डीएम बदले गए। आलोक सिंह ललितपुर के नए डीएम बने। चंद्रभूषण त्रिपाठी डीएम हमीरपुर बने। अरुण कुमार डीएम मऊ बने। शेषमणि पांडे डीएम अमेठी बनाए गए। महेंद्र बहादुर सिंह लखीमपुर के नए डीएम बने। उत्तर प्रदेश के 10 आईएएस अफसरों के तबादले, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आधी रात को 6 जिलों के डीएम बदले गए। राजभवन में नए कार्यालय भवन का लोकार्पण। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। पंडित दीनदयाल कर्मयोगी भवन का लोकार्पण। 6:30 बजे होगा लोकार्पण कार्यक्रम। प्रदेश स्तरीय दिवाली मेले का होगा शुभारंभ। 7:15 पर झूलेलाल पार्क में होगा शुभारंभ। प्रदेश में 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा दिवाली मेला। राजभवन के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। भीटी हवेली गांव में चली गोलियां। कानपुर से बड़ी खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली। संपत्ति विवाद में चली गोलियां। पूर्व प्रधान को मारी गई गोली। गंभीर हालत में कानपुर रेफर। घटना के बाद आरोपी फरार। कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संपत्ति विवाद के चलते गोलियां चली। भीटी हवेली गांव में चली गोलियां, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली। संपत्ति विवाद में चली गोली। पूर्व प्रधान को मारी गई गोली।